Hey everyone, very good morning to all of you. Welcome to my vlog. मैं हूँ ऐश्वर्या सक्सेना और आज है 30 अक्टूबर 2022 is the date today और आज है संडे. तो अभी बजा है सुबह का 9 और लाइक 9 बजने में 5 मिनट हैं और मैं अभी नहा धो कर आ गई हूँ. तो सिंपली आज क्योंकि संडे है तो इट्स गोइंग टू बी स्पेशल और मैं लाइक हमने प्लान किया है कि आज ब्रेकफास्ट में सिंपली खाएंगे वेज बिरयानी जो कि हम बाहर से लेने वाले हैं और एक जगह पर काफ़ी अच्छी रहती है तो हम वहाँ की वेज बिरयानी लाएंगे. वैसे तो हम भी काफ़ी हम लोग भी लाइक घर में बना सकते हैं और काफ़ी टेस्टी सी बनती है बट बाहर से लाएंगे क्योंकि बनाना ना पड़े इसलिए बाहर से लाएंगे. तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए वेज बिरयानी लेने एंड सिंपली उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आज का ब्लॉग. सो स्टे ट्यून टिल दी एंड. तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ वेज बिरयानी और ये टेस्टी सी डिलीशियस सी वेज बिरयानी मैं खाने जा रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में. तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो चुका है और हमने खा ली है बिरयानी एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी. और अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था डैट लाइक 29 अक्टूबर 2022 को द लैपटॉप विच वी हैव परचेज्ड विच वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट वो आज डिलीवर होगा. मतलब 29 को डिलीवर होना था बट लाइक उनका मैसेज आ गया डैट इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड. तो कल का जो मैसेज आया था वो था कि शिपमेंट हो चुका था पर डिलीवर नहीं हो पाएगा कल. तो उन्होंने डेट भी वहाँ पर मेंशन नहीं की थी एंड इट वाज ऑलमोस्ट शोइंग 3rd November. तो 3rd November उसमें एस्टिमेटेड डेट में दिखा रहा था बट फॉर्चुनेटली अभी बजा है 11:30 और मेरे पास मैसेज आ चुका है आउट फॉर डिलीवरी का. तो उम्मीद है कि द लैपटॉप विल बी डिलीवर्ड टुडे और इवन अब तो आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आ गया है तो डिलीवर हो ही जाना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर इट सिंपली क्योंकि आज संडे है, सभी घर पर हैं, पापा भी घर पर हैं, सिस्टर और हम भी घर पर हैं. तो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि आज डिलीवर हो जाएगा तो आपको भी दिखाएंगे. और ये लैपटॉप सिंपली पापा के लिए आया है. लाइक पापा ने कहा कि भाई पापा भी चाह रहे हैं कि उनका एक लैपटॉप बहुत समय से वो कह रहे थे तो सिंपली अभी हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ठीक है तो एक चूज़ करा. अभी मैं बता नहीं रही हूँ कौन सा है, अभी आ जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं. तो स्टे ट्यून्ड. आज मम्मी बनाने जा रही हैं एक लाजवाब सी स्वीट डिश जो कि मुझे पता है बहुत टेस्टी होने वाली है क्योंकि मम्मी बहुत ही लाजवाब बनाती हैं जो भी बनाती हैं. तो ये स्पेसिफिकली फटे हुए दूध की मिठाई बनने जा रही है और हमारे यहाँ 1 लीटर दूध फट गया था तो उसको यूटिलाइज़ करके मम्मी बहुत टेस्टी सी मिठाई बनाने वाली हैं जो कि दूध की बर्फी होने जा रही है या आप कह सकते हैं कलाकंद जैसी होती है. तो ये देखिए, ये 1 लीटर दूध में से इतना दूध निकला है फटा हुआ और इसको यूज़ करके मम्मी बनाएंगी. एंड हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई, इसकी रेसिपी आपको फूडीज किचन डिलाइट पर मिल जाएगी. लिंक मैंने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पर जाइए और वीडियो को देख लीजिए. फ्रेंड्स, बज गया है शाम का 4, लाइक 4 बजने में 3:53 PM हुआ है इस वक्त और लैपटॉप एज द मैसेज वॉज देयर कि आउट फॉर डिलीवरी है तो आउट फॉर डिलीवरी तो है ही, पिन वगैरह आ चुका है OTP बट अभी तक जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है. हो सकता है 5-6 बजे तक, वो तो 9 बजे तक भी डिलीवर करते हैं तो हो सकता है लेट डिलीवर हो. तो अभी मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ बाहर फॉर सम वर्क, कुछ चीज़ें लेनी थी तो शाम का वेट कर रहे थे कि कुछ शॉप जैसे घर के आसपास वाली होती हैं वो शाम को ही ओपन होती हैं. मुझे अपने लिए एक डिस्प्ले फाइल लेनी थी. आज तो मैंने मॉर्निंग से कुछ भी स्केच एज सच नहीं किया, संडे था. ऑल दो ये नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, मैं रात तक करूँगी. और डिस्प्ले फाइल इसलिए ले रहे हैं कि प्रैक्टिस के दौरान कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सही बन जा रही हैं. जो कि मैंने आपको दिखाया पफ़ी की फ़ोटो जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो सही बन गई. कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था गिटार जो टेबल पर रखा हुआ था, अगर आपने वो व्लॉग ना देखा हो तो आप ज़रूर से देखिएगा, वो भी सही बन गया था. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइक जो 3D शेप्स मैंने शेड किए थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा शेडिंग वगैरह का. तो मुझे तो ये मेरे लिए तो अच्छा है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं, मुझे भी याद रहेगा जब मैं सीख जाऊंगी कि हाँ मैंने बिगनिंग में क्या क्या बनाया था. तो मैं उसको एक डिस्प्ले फाइल में रख लूँगी क्योंकि ये शेडिंग वाली चीज़ों को जो शेडेड रहते हैं ना उनको ऐसे ही लूज़ रखने में लाइक उसका जो कलर होता है ग्रेफाइट होता है, ब्लैक ग्रेफाइट कलर निकलता है जो उसका ग्रेफाइट का, वो इधर उधर लगता है तो दूसरे पेजेस गंदे हो जाते हैं और अगर वैसे बाहर छोड़ देंगे तो उन पर धूल लगती है जो ड्राॅइंग्स बनी हुई हैं. तो सोच रहे हैं आज एक डिस्प्ले फाइल ले लें तो वही सिस्टर के साथ जाऊँगी, डिस्प्ले फाइल वगैरह लेंगे. सो लेट्स गो. फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाहर और मैं और मेरी सिस्टर अभी जा रहे हैं पैदल पैदल और हमारे घर के पास ही है मोनालिसा तो हम जा रहे हैं पार्लर. और वैसे मुझे काम नहीं है तो मैं बैठी हुई हूँ और मैं अपनी फ़ोटो खींच रही हूँ.
अरे यार मैंने मिस कर दी कॉल, मैं कैसे नहीं देख पाई फोन कहाँ रखा था। आपको पता है क्या हुआ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 4 कॉल मैंने ई कार्ड की मिस कर दी, ई कार्ड की मैंने 4 कॉल मिस कर दी, और मतलब मेरा मैं कहीं और थी, मेरा फ़ोन कहीं और था, एंड वो फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट की कॉल आई होगी, 4 कॉल लगातार, और मैंने पता नहीं मिस कैसे कर दी। लेट मी कॉल हिम, मैं कॉल करती हूँ और सिंपली पता करते हैं कि कब तक वो आएगा, क्योंकि अरे कॉल आधे घंटे पहले आई थी और मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया। लेट मी कॉल जस्ट अ सेकेंड। कनेक्टिंग, कॉल इज कनेक्टिंग। हाँ मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ, अभी एक्चुअली आपकी कॉल मैंने मिस कर दी, मैं ड्राइव कर रही थी। हाँ हाँ वो हाँ अलीगंज में, तो आप अभी आ सकते हैं? अरे प्लीज़ आप आ जाइए, एक्चुअली कल तो पता नहीं मैं मिलूँ ना मिलूँ, आप अभी लौटते वक्त ही इधर से, हाँ आप इधर से निकलिए तो प्लीज़ अगर मैनेज हो जाए। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही थी इसलिए मैं आपकी कॉल नहीं देख पाई, नहीं तो पिक तो कर ही लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, अगर हो जाए तो आज ही हो जाए, 9 बजे तक भी चलेगा, आप आज कर दीजिए बस, आज की डेट में कर दीजिए। वैसे भी कल 29 को आने वाला था बट हाँ आपकी तरफ से फ्लिपकार्ट की तरफ से डिले हो गया था, तो आप कोशिश करिए कि आज हो जाए। हाँ ओके थैंक यू सो मच, आप कोशिश कीजिए कि आज हो जाए, चाहे लेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू थैंक यू। सो फ्रेंड्स मैंने अभी बात कर ली है, बट वो कह रहा था कि भाई आपने फ़ोन नहीं उठाया तो हम तो अब दूसरे एरिया में आ गए हैं, तो मैंने बोला है कि वो आ जाएं इधर, जब इधर से निकले तब कर दें, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी क्योंकि मैंने 4 कॉल मिस कर दी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लाइक मेरा फ़ोन कहीं था और मैं कहीं थी, सो आई जस्ट मिस द फोर कॉल्स थी, एक मतलब 5 मिनट के अंतर उन्होंने लगातार 4 कॉल की, बट ये लोग कॉल तो घर पहुंच के करते हैं, उसके बाद भी इन्होंने बेल नहीं रिंग की, इट्स क्वाइट क्या बोलूं। आ जाए अब, लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, फ़ोन की बैटरी लो हो गई, मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ तो आपकी बार फोन ऑफ हो जाएगा। तो कौन कौन पिएगा चाय, मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए घर पे, आप लोगों को भी पीना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास अभी अभी क्या मैसेज आया है, 6:08 पर फ्लिपकार्ट का मैसेज, अनडिलीवर्ड, बड़ा बेकार रहा, उसने जबकि बोला था कि आज डिलीवर हो जाएगा, कोशिश करेगा वो, और ये देखिए आया था OTP का, इट्स रियली हार्ड ब्रेकिंग। अब मैं देखती हूँ कि कल मंडे है, कल का क्या शेड्यूल रहेगा, मैं कहाँ रहूँगी, आज तो मेरे से मिस हो गया, मीन्स उसने कह दिया था बट हमारे पास अनडिलीवर्ड का मैसेज आ गया, अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़राब हुआ ये, अभी मतलब 2 दिन से वेट करते करते 29 को आना था, फिर 30 भी हो गई आज, अब पता नहीं क्या होगा, आज आएगा कि नहीं आएगा, अब मुझे उम्मीद नहीं है। वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो फाइनली कॉल नहीं उठी, सो आज तो डिलीवर नहीं होगा। जैसे कि हमको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं आज की स्केचिंग प्रैक्टिस के लिए बैठ गई हूँ, तो मैं हमेशा ही लाइंस और बेसिक शेप से स्टार्ट करती हूँ प्रैक्टिस करना, सो सिंपली आई एम डूइंग द सेम। लैपटॉप तो नहीं आ पाया आज, लेकिन हमने मिठाई खा ली कलाकंद, जो कि मम्मी ने बनाई थी, एंड इट वॉज़ रियली वेरी टेस्टी। अब हो रही है रात, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट टू बी 8, तो बिरयानी वो सो हैवी कि जो वेज बिरयानी मैं मॉर्निंग में लाई थी कि उसके बाद आज लंच नहीं किया, और सिंपली अब थोड़ा आज जल्दी डिनर करेंगे, तो अभी मैं जा रही डिनर करने, और 2 बार गए अंकल की शॉप पर, लाइक जो मेरे घर के पास ही एक शॉप है स्टेशनरी की, बिकॉज आज संडे है तो लाइक सभी शॉप्स तो मार्केट वाली नहीं खुली होती, बट वो अंकल जी की शॉप पर भी कुछ नहीं हुआ, आई वॉज अबाउट टू परचेज द डिस्प्ले फाइल एंड सम चार्ट पेपर्स एंड ऑल, लेकिन नहीं ले पाए,
क्योंकि कभी अंकल की शॉप बंद थी तो कभी अंकल अवेलेबल नहीं थे शॉप पर, और आंटी को आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो आज तो मैंने ले पाई डिस्प्ले फाइल भी। अभी अभी कॉल आई थी, अभी बजा है 8:35 PM। तो सिंपली रिमाइंडर कॉल थी दैट विद इन हाफ एन आवर देर इज़ द लाइक टाइम टू ज्वाइन द मीटिंग। एक्चुअली 15 मिनट बाद ही, क्योंकि 8:45 लिंक जो है वो ऑन हो जाएगा एंड सिंपली लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। 9 बजे तो एक्चुअली टाइमिंग है वेबिनार का। तो मैंने जैसे कि एक वेबिनार, आज मेरा संडे था लेकिन हाँ मैंने कुछ लाइक स्किल रिलेटेड कुछ वेबिनार के टिकट्स परचेज किए थे, तो वो वेबिनार है और मैं उसे अटेंड करूँगी। इट इज़ आई थिंक 1 आवर वेबिनार और 1.5, आई डोंट नो, बट 9 बजे स्टार्ट होगा और 8:45 इज़ द रिपोर्टिंग टाइम। तो देखते हैं, मज़ा आने वाला है। मैं भूल गई थी, अगर रिमाइंडर कॉल ना आती तो मैं सच में भूल गई थी, क्योंकि संडे भी है तो बिल्कुल दिमाग से स्लिप कर गया था। बट हाँ, अब लैपटॉप, आई थिंक आई शुड टेक आउट द लैपटॉप या फिर मैं मोबाइल से लूँगी, देखती हूँ। तो मैं क्लास भी लूँगी और उसमें सारे अच्छे अच्छे लाइक पॉइंट्स लिखे थे, लेट मी टेल यू, लाइक काफ़ी अच्छे से मिक्स पॉइंट्स लिखे हैं कि सेट द रिमाइंडर। मिक्स पॉइंट मींस मिक्स लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस में हैं। तो सिंपली लाइक सेट द रिमाइंडर फॉर 8:45, सो बिकॉज पीपल फॉरगेट द टाइमिंग यूजुअली। एंड सेकेंड पॉइंट है, टुडे कंप्लीट ऑल योर अदर वर्क बिफोर 9 PM, सो यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट द वेबिनार। ये थर्ड पॉइंट है, सेव योर इंटरनेट, सो लाइक देर विल बी नो इशू ऑफ इंटरनेट बिफोर द क्लास। और हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वुड बी देयर, सो कीप रेडी योर नोटबुक एंड पेन। सो यही सब, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई एम जस्ट गोइंग टू इन्जॉय इट एट इट फुल। सो सिंपली डिनर तो मैं कर चुकी हूँ और अब बस ये वेबिनार है, तो मैं जल्दी से लाइक अभी जैसे कि 8:40 हो रहा है, तो मैं बस लाइक वेबिनार के लिए अपना कुछ पेन पेपर लेकर बैठने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लाइव वाला प्रीमियर वाला चल रहा है टाइमर, 1.5 मिनट बचे हैं। सो 10 बज रहा है और वेबिनार वॉज ऑलमोस्ट टू बी एंडेड, वैसे 1 घंटे का था। मैं काफ़ी थक गई थी और सच बताऊँ तो इनके एक्चुअली वेबिनार से पहले इस कोर्स में रिकॉर्डेड सेशंस भी थे, तो वो तो मैंने अटेंड किए थे। मतलब मैंने रिकॉर्डेड सेशंस पूरे दिन भर में वॉच कर लिए थे एंड दैट वॉज रियली गुड। बट मुझे सच बताऊँ तो इस वर्कशॉप में, या कह सकते हैं इस वेबिनार में, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बिकॉज ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स फॉर देयर जो कि रिकॉर्डेड में था, सो इट वॉज फाइन। तो आज लैपटॉप डिलीवर नहीं हुआ, बट हमने कलाकंद खाया और आई होप लैपटॉप कल डिलीवर हो जाएगा। आई होप आपको हमारा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। Thank you.